जैन दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम सबको पता है कि अभी उत्पाद सिपाही की वैकेंसी निकली हुई है, तो आज हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि उत्पाद सिपाही में आप लोग जाने से पहले ये जानकारी प्राप्त कर लें कि इसमें आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उस क्षेत्र की जानकारी रखना। ये चीज़ मैं दोस्तों बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो जॉब में आ जाते हैं, फिर उनको ये बोलते हैं आने के बाद कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस नौकरी में क्या क्या करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा नहीं, तो मैं यहाँ पे आता ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लड़कों को नौकरी में आने के बाद सुनता हूँ कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है। तो जरूर जान लीजिए दोस्तों कि अगर आप उत्पाद विभाग में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा है उत्पाद विभाग के भी जो क्या क्या काम करते हैं, मुझे पता है, तो वो सारी चीज़ों को आपको दोस्तों बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग घबराए ना दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको हर एक चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं डेविड एंड यू वाचिंग स्टडी ट्रिक पॉइंट। दोस्तों, उत्पाद विभाग और मद निषेध विभाग ये दोनों दोस्तों एक ही है, ठीक है। इसमें दोस्तों जो उत्पाद विभाग के कर्मचारी होते हैं वो विशेष तौर पे दोस्तों जो नशीले पदार्थ हैं, जो नशीले तत्व हैं, जितने भी होते हैं उन सब पे दोस्तों पाबंदियाँ लगाती है, कहाँ पे लगाती हैं, कहाँ पे नहीं लगाती हैं, किस पे लगाती है, किस पे नहीं लगाती हैं, ये चीज़ों को समझिए। देखिए दोस्तों, जो सरकारी जो लाइसेंस प्राप्त जो शराब दुकानें होती है, उन शराब दुकानों से दोस्तों करों को प्राप्त कर जो राजस्व विभाग है उनके पास जाके जमा करना, ठीक है। ये होता है एक पहला काम। दूसरा काम होता है दोस्तों, जो बेधड़क जो लाइसेंस दिए जाते हैं शराब पर, उन पर दोस्तों लगाम लगाना, ठीक है। शराब दुकानें ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस प्राप्त ना खुल जाए, लाइसेंस जिसको तिसको नहीं दिया जाए, तो इस चीज़ का भी दोस्तों जो उत्पाद विभाग के कर्मचारी हैं उस चीज़ को ध्यान रखते हैं। साथ में दोस्तों, जो नकली शराबें बनती है, कहाँ कहाँ नकली शराब बनती है, उस जगह पर जाके उस चीज़ को छापामारी के द्वारा पकड़ना, वहाँ पर उसको जब्त करना, और वहाँ पर जितने भी ठिकाने हैं उन ठिकानों को बंद करना, ये एक उत्पाद विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि ये दोस्तों उत्पाद जो विभाग है ये ध्यान हमेशा रखती है कि कहाँ, जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कहीं पे नकली शराबें बन रही है तो यहाँ पे वो तुरंत जाते हैं छापामारी के लिए। साथ में दोस्तों, जो शराब पे जो मिलावट भी की जाती है वो उस चीज़ का दोस्तों वहाँ पे ध्यान रखती है, ठीक है। तो विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों शराब से रिलेटेड ही ये विभाग है, क्योंकि इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे शराब नकली बन रहे हैं, कहाँ पे नहीं। उत्पाद विभाग में दोस्तों साथ में आपको ये करना पड़ेगा कि बहुत सारे शराब दुकान जो अनलीगल तरीके से चल रहे हैं उन दुकानों की पहचान कर उस पर लगाम लगाना, वहाँ पे उसको बंद करना। साथ में दोस्तों आप लोग को यहाँ पे ये काम करने पड़ सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी जगह पे जैसे कि देसी शराब मिलते हैं, महुआ हड़िया, तो ये सारी चीज़ों पे उत्पाद विभाग को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे ऐसे होता है वैसे होता है, तो वहाँ पे वो अगर चाहते हैं तो वहाँ पे जाके वो उस चीज़ को बंद करवाते हैं, बट ऐसा बहुत कम ही होता है। बट ये सारी चीज़ें भी होती है, अगर देसी शराब की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, अनलीगल तरीके से होती है, तो वहाँ पे वो छापामारी करके पूरी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों विशेष तौर पर, क्योंकि शराब क्योंकि बहुत ही एक हानिकारक चीज़ है, आप सबको भी पता होगा, तो इसी से रिलेटेड ये विभाग है, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ करना है नहीं, विशेष कर कहाँ पे नकली शराब बन रहे हैं, कहाँ पे दोस्तों उसके शराब में मिलावटी की जा रही है, कहाँ पे लाइसेंस बेधड़क अगर दिए जा रहे हैं शराब के ऊपर, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हैं वो। इसके बाद दोस्तों शराब जितने भी दुकानें जो लाइसेंस प्राप्त हैं वहाँ से करों को प्राप्त करती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जितने भी जो अनलीगल तरीके से शराब दुकानें जो है स्टेट में चल रही है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान रखती है। तो ये सारे काम जो है उत्पाद विभाग के दायरे में आते हैं और उत्पाद विभाग ये सारे काम को करती है। साथ में दोस्तों अलग से जो नशीले पदार्थ होते हैं, गुटखा तंबाकू, ये सारी चीज़ें, ये भी सारी चीज़ें इसी में आती है उसी विभाग में, तो ये सारी चीज़ों का भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें किस हिसाब से सरकार के आदेश से, अगर जैसे कि सरकार ने आदेश लगा दिया कि इन सारी चीज़ें नहीं बिकनी चाहिए, जैसे कि बहुत सारी बार आप देखेंगे प्लास्टिक पर बैन लगा देता है, गुटखा तंबाकू पर भी बैन लगा देता है सरकार, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान रखना कि अगर बंदी है ये सारी चीज़ें, अगर प्रतिबंध लगाए गए हैं सरकार के, तो कहीं दुकानों पर तो ये सारी चीज़ें नहीं बेची जा रही, तो इन सारी चीजों को भी यहां पे ध्यान रखना आपका दोस्तों यहां पे काम रहेगा, ठीक है। दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि इस विभाग में आपको क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए नौकरी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा सिविल नौकरी जैसा है, बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको ज़्यादा ड्यूटी नहीं रहती है, आराम से आप दोस्तों यहाँ पे, इसलिए वैकेंसी भी कम निकलती है, क्योंकि नौकरी बहुत ही अच्छी है, ज़्यादा दिक्कत वाली नौकरी नहीं है, शाम से आप लोग आराम से कर सकते हैं। ये विभाग काफ़ी अच्छा है, इसमें एक्स्ट्रा कमाई के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों, बाद में दोस्तों यहाँ पे हम लोग आते हैं कि यहाँ पे दोस्तों पेमेंट भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है। देखिए शुरुआती जो 5200 से लेकर 20200 का जो पेमेंट है, इसके बाद जो 1900 का ग्रेड पे है, इसमें आपको लमसम अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत में ही आपको 30000 प्लस के दोस्तों यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आप लोग जैसे ही इस नौकरी में आएगा 30000 प्लस की सैलरी आपको स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ तो 60 साल की नौकरी है, काफ़ी अच्छी नौकरी है, इसमें कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं, 60 साल आराम से आप लोग नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये सारी चीज़ें जो भी आप लोगों को मैंने समझाया है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों जैसे कि हम लोग क्रैश कोर्स चलाने वाले हैं, तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े, क्योंकि आप लोग को 100% डेफिनेटली यहाँ पे दोस्तों मैं वादा करता हूँ कि आपको प्रॉफिट होगा, हर एक चीज़ हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, ठीक है, और सिलेबस को पूरा करेंगे। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो हमारे प्रोत्साहन के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।